हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा कि आपके सामने एक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आईपीओ की अनाउंसमेंट की गई है, तो आज हम इस कंपनी के बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में एज ए आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है वो आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना, तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा जो ये कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई 2008 में। जी हाँ, जो कि एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि रजिस्टर्ड हुई 2015 में अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक के। जी हाँ, और अगर बात करें इनके एक्टिव कस्टमर के, मार्च 2024 तक जो इनके एक्टिव कस्टमर की संख्या है वो है 3 लाख से भी ज़्यादा। जी हाँ, और जिनमें से 82% के करीब जो है वो होम लोन कस्टमर है। जी, तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो ये कंपनी है वो क्या क्या अदर जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें से है होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है और भी कई तरह की थिंग्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर इनकी जो ब्रांचेज हैं, 20 स्टेटों में 174 लोकेशन पर हैं और ब्रांचेज की जो संख्या है वो 215 के करीब है। जी, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो डिटेल है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं आईपीओ की डिटेल पर। जी हाँ, प्राइस रेंज जो फिक्स की है 66 रुपये से लेकर 70 रुपये तक। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पर। मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 214 और मैक्सिमम 2782। उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 14,124 और मैक्सिमम 1,94,740। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो आईपीओ में? 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर आपको मिलते हैं तो उनका अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 12 सितंबर तक। ना मिलने पर रिफंड आपको मिलेगा 13 सितंबर तक। शेयर मिलने पर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 13 सितंबर तक और उनकी लिस्टिंग होगी 16 सितंबर तक। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड आउट करो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल थिंग्स आपको मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें आप कंपनी या उससे जुड़ी जो भी बेसिक डिटेल है वो आप ले सकते हैं और उसी के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।